हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो मानसून का मौसम आ गया, इस मौसम में कड़ी पकौड़ा खाने में बहुत ही मस्त लगेगा। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए पहले हम बेसन को छान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन एक कटोरी बेसन रहेगा और उतना ही दही रहेगी। जितना हमारा बेसन रहेगा उतना दही, और दही हम एकदम खट्टी लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं। ये हमारा घर का बेसन है, ये देखिए छना गया बेसन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पकोड़े बनाने वाले हैं कड़ी के लिए। तो आप देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हमें बहुत हिसाब से डालना है। यहाँ पे हमने एक चम्मच हल्दी ली है और स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक। तो हल्दी बहुत हिसाब से डालिए, नहीं तो कभी ज़्यादा और फटी फटी सी रहती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। हल्दी आप हिसाब से ही डालें। यहाँ पे हमने एक चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ठीक घोल बनाएंगे। तो पानी एक साथ ना डालें, धीरे धीरे डालें और धीरे धीरे ही फेंटते जाएं इसे। तो हल्के हल्के हाथों से इसे फेंटते जाना है। तो इस तरह से फेंटेंगे हम बेसन को। थोड़ी इसमें मेहनत तो लगती है, बहुत जल्दी फिट जाता है। जब तक बेसन अच्छे से फिटा नहीं है तो उसके पकौड़े अच्छे नहीं बनते हैं, तो खाने में गले में अटकते हैं। तो जरा सा पकौड़ों पे हमें मेहनत बनाने से पहले फेटना बहुत है। ये देखिए पूरा फोर्स लगा के, मतलब जितना मेहनत करेंगे उतने ही पकौड़े अच्छे बनते हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे फेटते रहना है कंटिन्यूसली। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन है एकदम फूलने लगा है, यानी कि हल्का हो गया है। तो चलिए के लिए वही पुराना वाला मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पानी ले लिया है और इसमें डिप करेंगे बेसन को। तो देखिए डूबता है कि नहीं। तो ये देखिए पकौड़ों की तरह तैरने लगा है, इट मीन्स ये देखिए रेडी हो गया है बेसन। तो चलिए फटाफट हम इसके पकौड़े तल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो गरम तेल में पकौड़े तलेंगे हम। तो इस तरह से उठा उठा के डालना है हथेलियों पे, यानी कढ़ाई में। तो बेसन को लेना है अपने हाथों पे और छोड़ते जाना है, अंगूठे से ढकेलते जाना है। तो देखिए गोल गोल पकौड़े बनते जाएंगे इस तरह से, लड्डू की तरह। तो कढ़ाई में हमें तेल ज़्यादा नहीं लेना, इतना लेना है कि थोड़ा सा ये निकला रहे, यानी पकौड़े निकले रहे हैं ऊपर थोड़े। तो उसमें हमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें छेद आने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, पकौड़ों में छेद आने लगे हैं, छेद आने लगे हैं। तो ऐसे ही पकौड़े आप भी बनाइएगा। तो हम पलट ले रहे हैं पकौड़ों को। तो पकौड़ों को सॉफ्ट ही रखना है, ज्यादा पकाना नहीं है, नरम नरम से पकोड़े बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े यहाँ पे, तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम पकोड़े बन गए हैं बेसन के। पकोड़े तैयार हो गए हमारे कड़ी के लिए। इसी तरह हम बाकी के भी पकोड़े बना लेते हैं कड़ी के लिए। देखिए पकोड़े अपने आप उलट जा रहे हैं। है ना ये मजेदार। तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। ये हमारे सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं कड़ी के। थोड़ा सा बेसन हम और निकालेंगे इसका घोल बनाने के लिए। तो तकरीबन 1 कप हम और बेसन निकाल रहे हैं उसी मात्रा से। तो यहाँ पे देखो फिर से हमने बेसन को चाल लिया है उसी थाली में।
यहाँ पे हम लेंगे खट्टी दही, एक कटोरी दही लेंगे। ये दही हमारे घर की है, तो दही जितनी खट्टी रहती है उतना ही कढ़ी में स्वादिष्ट लगती है। तो हम इसी बेसन में दही को डाल देंगे और दही को भी अच्छे से फेंट लेंगे। तो जिसे भी दही ना पसंद हो वहाँ पे, अगर फ्रेंड्स जिसे दही नहीं पसंद है तो जब कढ़ी पक जाती है तो आप सकते हैं, उससे भी टेस्टी लगता है, लेकिन जो दही का स्वाद है वो तो दही से ही आएगा। तो हमारे घर पे खट्टी खट्टी दही सबको बहुत पसंद है, यानी खट्टी खट्टी कढ़ी बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स हमारे घर पे जब भी सब्जी कोई नहीं रहती तो हम एक कढ़ी बनाते हैं, बेसन की सब्जी बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तेल को कम कर लिया है, तो हमने थोड़ी सी मेथी दाने लिए हैं, तो अच्छे से इसे चटकने दे। तो मेथी दाने से हम तड़का मारेंगे। अब मेथी हमारा जैसे ही लाल हो जाएगा तो हम कुटी हुई लहसुन डालेंगे इसके अंदर। तो 7-8 लहसुन की कलियां थी उसे हमने अच्छे से कूट लिया था। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी हरी मिर्च ली है, सॉरी लाल बोलने जा रही थी। तो अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च ले लेना है, कितना तीखा आप खाते हैं। हमारे घर पे थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो उस हिसाब से हमने लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और अच्छे से इसे भून लेना है। यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले नहीं लगते कढ़ी में, बहुत सादा सिंपल ये रेसिपी है, इसका बहुत ही शानदार रहता है। इसमें हम थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी को भून लेना है। और हल्दी डालते ही हम अपना बेसन का घोल इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो हल्दी जलने लगेगी। हमने जो बेसन और दही का घोल में बनाया था उसे डाल देंगे। और इसी बर्तन में ढेर सारा पानी, और उसी बर्तन में हम फिर से ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ, तो देखिए फ्रेंड्स पानी कितना डालना है, अगर आपका एक कटोरी बेसन है तो 4 कटोरी पानी ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पे 2 कटोरी बेसन था, तो हम इसका 4 गुना पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पतली सी है, जब पकेगी तो ये पूरी थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है कढ़ी आप पतली खाते हैं कि मोटी खाते हैं, उस हिसाब से पानी डालिए। तो हमारे घर पे तो थोड़ी पतली कढ़ी खाते हैं जैसा सबको पसंद आता है वैसे उस हिसाब से बनता है खाना। फ्रेंड्स इसे चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और इसे चलाते ही रहना है कंटिन्यूअसली, इसे छोड़े ना, नहीं तो इसके तले में लगने लगेगा। तो इसे चलाते रहे, इसे पकने दे जब तक उबाल ना आए। अब हम इस, तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ी में हल्की हल्की उबाल आने लगी है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी मोटी होने लगी है, ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स पकोड़े कितने मस्त हमारे बने हैं, अब दिखाते हैं हम कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम खोखला बना है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। तो फ्रेंड्स कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गए, तो हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके हम इसमें पकोड़े डाल दे रहे हैं। तो 5 मिनट और इसे लगेगा पकने के लिए, भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसके अच्छे से पकोड़े। फटाक से बनता है और टेस्ट इसका बहुत ही शानदार रहता है। फ्रेंड्स बिना मसाले की सब्जी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। ऐसे अच्छे से इसे चला देना है, तो अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट और धीमी आंच पे इसे पकाना है फ्रेंड्स। तो सारा सरफेस आपका गंदा हो जाएगा, तो इसे ढकना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। एकदम शानदार, एकदम टेस्टी टेस्टी सी कढ़ी हमारी, फ्रेंड्स कढ़ी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसके लिए मस्त तड़का तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तड़का के लिए हमने कटोरी में तेल ले लिया है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें करी लीव्स, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और यहीं पे हमने लिए लाल मिर्ची, इसे थोड़ा तोड़ लिया है रफली, इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का देखिए फ्रेंड्स रेडी हो रहा है।
फ्रेंड्स, जैसे ही मिर्च हमारी लाल हो जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे क्या है ना, कलर बहुत बढ़िया आता है। फ्रेंड्स, के बाद डालें इसे, अच्छे से चारों तरफ घुमा लें इसे और अपने कढ़ी पे चारों तरफ इसे फैला दें। ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी हमारी कढ़ी पकौड़ा बनके रेडी है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार हमारी कढ़ी पकौड़ा बनके रेडी है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखे अपना ध्यान, बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें, वो भी फ्री में, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले। तो बाय।